अनुपमा सीरियल का शनिवार का एपिसोड एक नया ट्विस्ट और एक नए किरदार की एंट्री लेकर आने वाला है। शो की शुरुआत होगी अनुपमा के इंदिरा बेन को अपने दिल की बात बताने से। नंदिता और इंदिरा भी अनुपमा को हिम्मत देंगे कि सब ठीक हो जाएगा। अनुज के ठीक करने की कोशिश में बाला आश्रम में अनुज और अनुपमा की पुरानी तस्वीरों को सजाएगा, जिसके सामने अनुपमा डांस करेगी और अनुज फिर से एक बार उसके प्रति प्यार महसूस करेगा। अनुज समझ जाएगा कि अनुपमा ने पैर में चोट के बावजूद उसके लिए ये सब किया है और वो उसके पांव दबाएगा। हालांकि मानसिक रूप से अनुज अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। किंजल बाद में डिम्पी को समझाएगी कि तपिश अगर इस घर में बेइज्जती और रूखे बर्ताव से थक गया तो वो एक दिन चला जाएगा। वो कहेगी कि डिम्पी खुशकिस्मत है कि उसे ये नहीं पता। इस पर तपिश कहेगा कि वो दिन में शॉपिंग करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती। तपिश नाराज होकर कहेगा कि डिम्पी ऑरेंज को साथ लेकर वो मुंबई चला जाएगा, लेकिन डिम्पी जिद पर अड़ जाएगी कि वो वहां नहीं जाने वाली। वो कहेगा कि तपिश को वनराज की बातें बुरी लगती हैं क्योंकि वो उसकी और अंश की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं जबकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा। तपिश कहेगा कि पापा अगर तुम दोनों पर पैसे लुटा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उनकी हर गलत बात को सही मान लिया जाए। किंजल बाद में डिम्पी को भी ये समझाएगी कि तपिश अगर इस घर में बेइज्जती और रूखापन सहता रहा तो ये गलत होगा। वो कहेगी कि डिम्पी खुशकिस्मत है कि उसे इतना सुलझा हुआ लड़का मिला है, उसे उसकी वैल्यू करनी चाहिए। इसके बाद डिम्पी जाकर तपिश से माफ़ी मांगेगी। आश्रम में जहाँ मीनाक्षी के अनेकी तैयारी कर रखे होंगी वहाँ आशा भवन को डोनेशन देगी। वहीं शाह निवास में भी मीनू को अनेकी तैयारी की जाएंगी। बा और किंजल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे जबकि तोशु और डिम्पी पाकी सोफा पर बैठे अपना फ़ोन ही चलाते रहेंगे। वो हमेशा की तरह घर वालों से थोड़ा दूर नज़र आते हैं। शाह निवास से ड्राइवर और उधर आशा भवन से सागर मीनाक्षी और मीनू लेकर जाएंगे। बड़ी देर तक किसी के नहीं पहुंचने पर ड्राइवर वनराज को फ़ोन करेगा और साइड में चला जाएगा और इसी बीच सागर को मीनू दिखाई पड़ेगी क्योंकि मीनाक्षी और मीनू एक ही हैं, इसलिए वो सागर के साथ ऑटो में आशा भवन चली जाएगी। सागर पहली ही नज़र में मीनू से प्यार कर बैठेगा और बड़बोले अंदाज में दोनों एक दूसरे से बातें करने लगेंगे। ये लव स्टोरी अनुपमा सीरियल में किस तरह आगे बढ़ेगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। शो से जुड़े अपडेट पता रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।